Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all are fine. Today we are going to start mathematics, grade 6, chapter number 8, introduction to algebra. Exercise 8b. Question number 3, subtract. Part I, 5a from 8a. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है. हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं, अब हम उसको सॉल्व करते हैं. पार्ट आई 5a फ्रॉम 8a. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रॉम लिखा है. अब आपको पता होना चाहिए जिस वैल्यू के साथ फ्रॉम आएगा हम उस वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, फर्स्ट पे. सबसे पहले हमने इनको वर्टिकल लिखा है, 8a, 8a माइनस 5a. अब 8 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3. 8 माइनस 5, 3 a as it is. 8a minus 5a which is equal to 3a. Part 3 minus 2x from x plus 1. अब यहाँ पर हमने पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है, फ्रॉम. फ्रॉम किसके साथ है, x plus 1 के साथ. सो हम लिखेंगे x plus 1 minus 2x. अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करें, और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें जो हमारे पास सेकेंड वाली वैल्यूज होती हैं उनकी हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं. यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस को हमने किस में चेंज कर दिया, प्लस में. सो अब देखें ये भी प्लस है, एक्स के साथ भी क्या है, प्लस 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 प्लस. टू में वन प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन. पार्ट फोर, टू एक्स प्लस वन फ्रॉम माइनस एक्स. अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, माइनस एक्स. इसमें से हमने किसको माइनस करना है, टू एक्स प्लस वन. हमने यहाँ पर सेकेंड वैल्यू उसके क्या करनी है, साइन चेंज करना है. यहाँ पर टू के साथ क्या था, प्लस. हमने क्या लिखा है, माइनस. यहाँ ये वन के साथ क्या है, प्लस. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस. प्लस को हमेशा माइनस में चेंज करेंगे और माइनस को प्लस में. अब यहाँ आप देखें, माइनस 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 क्या होता है, प्लस. सो टू में जब वन को प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3x. बट ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, माइनस. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 3x. अब यहाँ पर ये जो पहले साइन था प्लस वो तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमने न्यू साइन क्या लिखा है, माइनस. सो न्यू साइन के साथ ये आ जाएगा माइनस वन. पार्ट वी, 2a प्लस 3b फ्रॉम 7a प्लस 8b. 7a प्लस 8b, सबसे पहले हमने इस वैल्यू को लिखना है, देन हमें इसको लिखना है 2a प्लस 3b. अगेन हम साइन सिंबल्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे साइंस को. यहाँ पर प्लस है, माइनस. प्लस की जगह माइनस. 7 में से 2 को जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 5a. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 7 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस का ही साइन आएगा. 8 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b. 8 ग्रेटर वैल्यू है, उसके साथ क्या है, प्लस. तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, प्लस. 5a प्लस 5b. पार्ट वी आई, 3a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4a प्लस 2b माइनस 3c. सॉल्यूशन, 4a प्लस 2b माइनस 3c माइनस. अब यहाँ पर क्या करना है, 3a माइनस बी प्लस सी. सेकेंड वाली जो भी वैल्यूज होती हैं, ये जो भी टर्म्स हैं, हम उनके क्या कर लेते हैं, सिंबल चेंज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आया है, माइनस. माइनस है तो क्या लिखा है, प्लस. और फिर प्लस है तो हमने क्या लिखा है, माइनस. 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a. यहाँ पर इसके साथ हमने कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि 4 ग्रेटर वैल्यू है और ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, प्लस. 2b प्लस b, 2 में 1 को प्लस किया, क्या आया है, 3b. यहाँ भी साइन क्या है, पॉजिटिव. माइनस 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 प्लस. 3c में जब 1c को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4c. यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का. अब माइनस किस लिए है, क्योंकि 3 जो है ग्रेटर वैल्यू है और उसके साथ क्या है, माइनस. तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा है. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास सेकेंड वाली जो भी टर्म्स होंगी उनको हम क्या करते हैं, उनके साइन चेंज करते हैं. वी डबल आई, एक्स माइनस टू वाई माइनस 3z फ्रॉम 2x प्लस वाई प्लस 3z. सॉल्यूशन, 2x प्लस वाई प्लस 3z. फ्रॉम वाली ये टर्म है, इसको हमने फर्स्ट पे लिखना है, सेकेंड पे इसको लिखते हैं, x माइनस 2y माइनस 3z. साइन चेंज के प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस. आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये कट ऑफ, क्योंकि ये सिंबल कट जाते हैं, इसकी जगह हम न्यू सिंबल्स लिखते हैं.
टू में से वन को जब माइनस किया तो क्या आया है, एक्स। वन एक्स लिख सकते हैं या जस्ट एक्स भी लिख सकते हैं। टू प्लस वन थ्री वाई, थ्री प्लस थ्री सिक्स जी। क्वेश्चन नंबर फोर, सब्ट्रैक्ट फाइव एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फ्रॉम वन। कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है वन में से। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये सेकंड टर्म है, सेकंड वैल्यू जो है इसको हमने इस यहाँ लिखा फाइव एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब आप देखें वन क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो इस वाली टर्म में हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है जो हम वन के नीचे लिखें, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। अब क्या किए हैं, साइन चेंज किए हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं और प्लस को माइनस में चेंज करते हैं। वन एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा न्यू साइंस के साथ, माइनस फाइव एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट मस्ट बी एडिड टू थ्री ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस वन टू गेट ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन। सॉल्यूशन, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन, थ्री ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस वन। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अपना आंसर फाइंड करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, और जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारे पास साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस, माइनस की जगह क्या लिखा है, प्लस। यहाँ प्लस है तो उसकी जगह क्या लिखा है, माइनस। माइनस की जगह प्लस। थ्री ए में से जब वन ए को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टू ए क्यूब। अब यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू थ्री है और थ्री के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस टू ए क्यूब। प्लस थ्री ए प्लस थ्री ए प्लस प्लस प्लस, थ्री में थ्री को प्लस के तो आ जाएगा सिक्स ए स्क्योर। माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस थ्री सिक्स ए, बट ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस सिक्स ए। प्लस प्लस प्लस, वन प्लस वन टू, वन के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस टू। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो भी आंसर होगा, द आंसर टू द अबव प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड। कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अपने आंसर को ऑब्टेन्ड करने के लिए सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस कर देते हैं। अब ये देखें, पहले हमने सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा है, देन हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है, और जब इनको माइनस किया तो हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए फोर माइनस वन टू गेट ए फोर माइनस फोर ए क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस वन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली वैल्यू हमने कौन सी लिखनी है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम किसके साथ, ए फोर माइनस वन। सो हमने यहाँ लिखा ए फोर माइनस वन। सेकेंड वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे ए फोर माइनस फोर ए क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस वन। याद रखिएगा, लेफ्ट टर्म्स को एक जगह, आप देखिए यहाँ एक जगह पर ही रखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की पावर क्या है, फोर, यहाँ हमने लिखा है ए पावर फोर। अब यहाँ पर हमारे पास कोई और टर्म नहीं थी इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट, जब भी हम माइनस करते हैं तो हम साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, माइनस, माइनस की जगह यहाँ प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। सो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस ए फोर माइनस ए फोर, कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो ए फोर, जिसे मैंने लिखा ही नहीं है। प्लस फोर ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो वन प्लस वन टू, लेकिन साइन क्या है, माइनस का, तो हमने लिखा है माइनस टू। ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमने जो आंसर लिखा है, जो हमारी वैल्यूज आएंगे वो न्यू साइंस के साथ आएंगे, जो प्रीवियस साइंस थे। यहाँ पर आप देखें यहाँ सिक्स के साथ प्लस है बट हमारा आंसर क्या है, माइनस के साथ है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी सेकंड एक्सप्रेशन होता है उसकी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन हम चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सब्ट्रैक्ट ए स्क्योर माइनस ए प्लस वन फ्रॉम द सम ऑफ ए माइनस ए स्क्योर प्लस टू ए प्लस थ्री एंड थ्री ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्शन भी करनी है और दो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, हमने उनका सम भी करना है। सो सबसे पहले जिन दो वैल्यूज का सम लेना है हम उसको सम ले लेते हैं। सम मैंने लिखा है सम। अब सम किन दो वैल्यूज का लेना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस थ्री
थ्री स्क्वेयर माइनस फोर ए प्लस फाइव, इन दो वैल्यूज को प्लस करना है. थ्री माइनस प्लस माइनस, थ्री में से ए को माइनस वन ए माइनस किया तो क्या आ जाएगा टू ए स्क्वेयर, प्लस माइनस अगेन क्या आ जाएगा माइनस. सो फोर में से टू माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया है माइनस टू ए. फोर ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे. फाइव प्लस थ्री एट. अब हमने ये सम कर लिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस वन फ्रॉम द सम ऑफ, कि जो सम आएगा उसमें से हमने ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस वन को माइनस करना है. सो हमारा सम क्या आया है टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस एट. इसमें से हम माइनस करते हैं ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस वन. हमें पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं. यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या लिखा है माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस. सो टू ए में से जब वन ए को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वेयर, या आप लिख सकते हैं वन ए स्क्वेयर. प्लस माइनस माइनस, टू में से जब वन ए को अगेन माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, बट यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पर लिखा है माइनस ए. प्लस माइनस माइनस, एट में से जब वन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सेवन, ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस सेवन. सो हमारा आंसर क्या है ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस सेवन. क्वेश्चन नंबर एट, फ्रॉम द सम ऑफ एल माइनस एम प्लस टू एन, थ्री एल माइनस टू एम प्लस एन एंड फोर एल प्लस फाइव एम माइनस सिक्स एन, कि इन तीन वैल्यूज का सबसे पहले हमने सम लेना है, देन इन तीन वैल्यूज के सम में से सम का जो आंसर आएगा उसमें से हमने इन दो वैल्यूज को माइनस करना है. लेकिन माइनस करने से पहले इन दो वैल्यूज को भी हमने क्या करना है सम लेना है. सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फर्स्ट थ्री वैल्यूज लिखते हैं एल माइनस एम प्लस टू एन, थ्री एल माइनस टू एम प्लस एन, फोर एल प्लस फाइव एम माइनस सिक्स एन. इन तीन वैल्यूज को हम प्लस करते हैं, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन में वन प्लस किया एट एल, माइनस माइनस प्लस, टू में वन प्लस किया माइनस थ्री. जब फाइव में से माइनस थ्री को माइनस करेंगे फाइव माइनस थ्री आ जाएगा हमारा आंसर टू एम, टू प्लस वन थ्री एन, सिक्स, सिक्स में से थ्री को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस थ्री एन. ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो इसको हम लिखेंगे माइनस थ्री एन. इस पूरी वैल्यू को हमने इक्वेशन वन का नेम दे दिया है. नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज है एल प्लस एम प्लस एन, टू एल प्लस थ्री एम प्लस फोर एन. इन दो वैल्यूज को भी हमने क्या करना है सम करना है, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सो जब इन दो वैल्यूज को प्लस करेंगे टू एल प्लस एल हमारा आंसर आ जाएगा थ्री एल, थ्री प्लस वन फोर एम, फोर प्लस वन फाइव एन. इसको इक्वेशन नंबर टू का नेम दिया है. सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने लिखा है सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन वी गेट, कि हम टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम वन, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को. इक्वेशन वन है एट एल प्लस टू एम माइनस थ्री एन, जिसको अभी हमने नाम दिए थे, और इक्वेशन टू है थ्री एल प्लस फोर एम प्लस फाइव एन. जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन को क्या कर लेते हैं चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. एट में से थ्री को माइनस किया फाइव एल, फोर में से टू को माइनस किया टू, फाइव प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो फाइव प्लस थ्री एट एन. ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस एट एन. क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस सी, बी इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर सी एंड सी इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स सी, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी. अब यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ए बी और सी की वैल्यूज गिवन है, हमें कहा यह गया है कि हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस, यानी इन तीनों वैल्यूज को क्या करना है प्लस करना है. ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई प्लस सी, देन क्या है प्लस बी, बी की वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जी, लास्ट है सी, सी की वैल्यू क्या है फोर एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स सी. अब हम इनको प्लस करते हैं फोर फाइव सिक्स और वन सेवन एक्स, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट और माइनस वन माइनस नाइन वाई, फोर प्लस वन फाइव सी, सिक्स में से जब फाइव को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस सी. सो ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास आंसर क्या है सेवन एक्स माइनस नाइन वाई माइनस सी. पार्ट थ्री, ए प्लस बी माइनस सी. अब आप यहाँ देखें दो वैल्यूज को तो हमने प्लस करना है, बट थर्ड वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है. सो पहले ए की वैल्यू लिखी प्लस बी की वैल्यू लिखी, एक्स माइनस वाई प्लस सी ए की वैल्यू है, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर सी बी की वैल्यू है, लास्ट में हम लिखेंगे माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स सी. आपको पता है हम जब भी माइनस करते हैं तो हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, सी की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे इसके साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस. टू प्लस वन थ्री, जब फोर में से थ्री को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस वन फोर, जब फाइव में से फोर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस वन वाई,
प्लस प्लस प्लस, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11 सी. सो ए प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 11 जी. क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट आई. क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई पार्ट आई. ए प्लस 2 बी माइनस 3 सी माइनस 4 ए माइनस बी प्लस 2 सी. हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है. हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स को हम एक जगह पे लिखते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक जगह पे. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, हम ए बी और सी को अलग अलग लिखते हैं. सबसे पहले ए माइनस 4 ए प्लस 2 बी माइनस 3 सी प्लस 2 सी. अब ये हमारे पास सीक्वेंस में है. अब देखें 4 में से 1 ए को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3 ए. 2 बी में से 1 बी को माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा बी. 3 सी में से जब 2 को निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस सी. पार्ट 2 एल प्लस एम माइनस 3 एन माइनस एम प्लस 2 एल प्लस 3 एन प्लस 2 एम. ये अगेन ये हमारे पास उसी तरह का पार्ट है. हम एल एम और एन की वैल्यूज को सीक्वेंस से लिखते हैं. सबसे पहले हम एल की लिख लेते हैं एल प्लस 2 एल. फिर हमने एम की लिखी है प्लस एम माइनस एम प्लस 2 एम. लास्ट पर हमने एन की लिखी है माइनस 3 एन प्लस 3 एन. अब आपको पता है प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसल. सो ये प्लस एम और माइनस एम क्या हुआ है, कैंसिल हो गए हैं. माइनस 3 एन और प्लस 3 एन भी क्या हुए हैं, कैंसिल हुए हैं. तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एल प्लस 2 एल. 2 प्लस 1 3 एल और जस्ट ये 2 एम हमारे पास रह गया, इसको हम लिखेंगे प्लस 2 एम. 3 एल प्लस 2 एम. पार्ट 3 ए स्क्वेयर प्लस 2 ए प्लस 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए माइनस 1. इसको आप भी आप दो तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स. जिस तरह से हमने पार्ट आई और पार्ट डबल आई किया वैसे भी आप लिख सकते हैं, या सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्टिकल लिख के भी आप कर सकते हैं. ए स्क्वेयर प्लस 2 ए प्लस 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए माइनस 1. सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज किए हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस की जगह प्लस. अब यहाँ देखें ये बी स्क्वेयर हमारे पास सेपरेट है तो हमने लिखा माइनस बी स्क्वेयर. इसके साथ क्या है, माइनस. इसके साथ क्या है, प्लस ए स्क्वेयर. क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स थी इसलिए हमने इनको अलग अलग लिखा है. प्लस 2 ए माइनस 2 ए क्या हुआ है, कैंसल. प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 2. तो इसको हम लास्ट पे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2. स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक्स. जज़ाकअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह.